तरीके से। आपका रमजान कैसा गुजरा? तो रमजान जैसा रमजान गुजरता है वैसे गुजरा। अच्छा, काम करते हुए, भागते दौड़ते हुए, कराची और सिंध के मसाइल एड्रेस करते हुए? अच्छा, एक चीज है, आमतौर पर लोग रमजान में थोड़ा सा वो स्लो जाते हैं, मैं शायद रमजान में थोड़ा ज्यादा काम कर लेता हूँ, खाने पीने का जो टाइम होता है बच जाता है ना। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया? नहीं, वो मैं लोगों को एक सुनाता हूँ, एक पुराना सा लतीफा ही है कि वो कोई शख्स गया, किसी ने हाथ दिखाया किसी को कि भाई, तो उसने कहा जी तुम्हारे हाथ देखते हैं वैसे। तो उसने कहा कि जी तुम्हारे 10 साल में बड़ी तकलीफें गुजरेंगे। तो खुश हो गया, तो उसने कहा जी उसके बाद तुम आदि हो जाओगे। मैंने डॉक्टर साहब की एक, आपने इनकी सईद भाई की लाइन मिस कर दी, शुक्र आपने मिस की। इन्होंने कहा रमजान में खाने पीने का टाइम बच जाता है। सर ये ईद वाले दिन सुबह सुबह बिलावल हाउस पहले अटेंडेंस जरूरी होती है नमाज के बाद? फिर हमारे यहाँ तो नहीं होती, मैं तो अपने जहाँ चनेसरकोट में पैदा हुआ वही नमाज पढ़ते हैं, हर साल वही पढ़ी है, और वही पे लोगों से ईद मिलते हैं। जो इंतकाल कर गए होते हैं लोग, क्योंकि पहली ईद होती है, उनके घरों पे जाते हैं, तो ये एक रिवायत सी है, वो पूरी करते हैं हर साल। तो बिलावल हाउस नहीं जाते हम अक्सर। बात करते हैं सईद भाई कि जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, ऑफ कोर्स यू आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बट उन पे एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि नहीं, ऑफ कोर्स उन पे एक एडिशनल जिम्मेदारी ये होती है कि उनको खुशी गमी पे ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, हल्के का, हल्के के लोगों का। ये दिल से करते हैं या बाज़ औक़ात बंदा घर पे भी टाइम देना, बच्चे की सालगिरह, वो नहीं थी वो? मैंने आपको बताया ना कि वो कहा कि आदि हो जाएंगे, आदि हो गए फिर वो आदि हो गए। लेकिन एक चीज आपको बताऊँ, जब लोगों से मिलते रहते हैं ना तो आपकी अटैचमेंट वैसे ही हो जाती है। सही बात है। तो आप अगर घर पे जानवर पाल लें उसके साथ ही आपकी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन आप अगर पौधे पाल लें आपकी अटैचमेंट हो जाएगी 100%। तो आप इसी तरह अगर अपने हल्के में, इलाके में लोगों से मिलना शुरू करते हैं तो आपकी अटैचमेंट होती है।